अपने आप को देख रहे हैं तो ये मेरी अभी फिजिक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है अचीव करना। अभी तक का मैंने कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं किया और मैं इस लेवल पे हूँ। जस्ट वेट फॉर वन मोर मंथ एंड आई विल शो यू वट ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ सिर्फ घर के खाने से। हेलो एवरीवन, कैसे तुम सबके साथ? बढ़िया। तुमने जो अभी ये क्लिप्स देखी, ये मेरी 4 वीक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है फैट लॉस का, जो कि बहुत ईजीली हो रहा है, बहुत ईजी हो रहा है। और आज मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। द फैट लॉस वर्कआउट, द फैट लॉस डाइट, द फैट लॉस सप्लीमेंट। अगर तुम इन तीनों में से कोई भी चीज़ जानना चाहते हो तो ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ वो सच बोलने वाला हूँ जो तुम्हें पता होना चाहिए फॉर फैट लॉस। बट अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो फैट लॉस वर्कआउट डाइट एंड सीक्रेट सप्लीमेंट्स, तो तुम ये वीडियो आराम से स्किप कर सकते हो। और अगर तुमको सच सुनना है तो मोस्ट वेलकम। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ और मेरे साथ रहना, और साथ रहना मेरे साथ, ठीक है? फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं एक चिड़िया खरीद के लेके आता हूँ, एक चिड़िया का बच्चा खरीद के लेके आता हूँ, मैं उसको घर पे एक केज के अंदर रखता हूँ, वो ग्रो होता है और एक बड़ी चिड़िया पे बन जाता है। और उसको मैंने सिर्फ केज के अंदर रखा है और वो कभी कमरे के बाहर भी नहीं गया। तो एक दिन एक आसमान से परी आती है और वो चिड़िया से पूछती है कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो बोलता है इस दरवाजे से इस दरवाजे तक का, मतलब उस चिड़िया के लिए दुनिया सिर्फ इतनी ही है, वो घर के बाहर उसे कुछ पता ही नहीं है। अब उस चिड़िया को रिप्लेस कर दो तुम मुझसे या फिर अपने आप से, और उस केज को या फिर उस घर को रिप्लेस कर दो फिटनेस इंडस्ट्री से। अब तुम और मैं वो चिड़िया हैं जो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं रिगार्डिंग फैट लॉस, और हम उसको ही सच मान बैठे हैं, और हमें लगता है कि इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, इतना ही लॉजिक है। और अगर कोई बंदा उस वर्ल्ड से बाहर से आके हमें कुछ चीज़ें बताता है तो हम बोलते हैं ये साला चूतिया है, मतलब ऐसा ही कुछ। हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अभी सिर्फ इतना ही समझो। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, इमेजिन करो तुम और मैं 9th क्लास में हैं और अब हम प्रमोट होके 12th क्लास में चले गए हैं, नहीं 10th क्लास में जा चुके हैं, और मैं जाता हूँ और तुम भी जाते हो दुकान में और उससे बोलते हो कि भैया 12th का सिलेबस और 12th की सारी बुक्स दे देना। बात पची नहीं ना? मतलब तुम 10th क्लास पे गए हो और तुम 12th का सिलेबस ला रहे हो, इसका मतलब तुम थोड़े से खिसके हुए हो। पर अब लॉजिक को हटाओ, तुम और मैं एक नॉर्मल लोग हैं और हम देखते हैं उन लोगों को जिनकी फिजिक टॉप नॉच है, बहुत ही परफेक्ट, सिमेट्रिकली परफेक्ट स्टेज पे खेल रहे हैं, या फिर उन यूट्यूबर्स को जो अर्न कर रहे हैं अच्छा अपनी फिजिक से, और वो बोलते हैं कि कैलोरीज कैलकुलेट करो, ये सब मत खाओ, वो सब खाओ, जो भी चीज़ें वो करते हैं, बट वो 12th क्लास की बात कर रहे हैं और तुम और मैं अभी नर्सरी पे हैं। समझ रहे हो तुम? तुम्हारा और मेरा कैलिबर नर्सरी वाला है और हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं 12th वाला, और फिर हम वो चीज़ें अपने आप पे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम बोलते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ये भी बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। ओ माय गॉड, समझे हो? थोड़ा मतलब ऐसे रोशनी सी पड़ी तुम्हारे मुंह के ऊपर कि ओ ये सब बातें करी हमने कि हम गलत क्या कर रहे हैं। पहली गलती, नॉलेज थोड़ी सी कम है अपनी बॉडी के बारे में। याद रखना, तुमने जितना भी वो वर्ल्ड बना रखा है ना अपना फिटनेस का, वो तुम्हारी बॉडी की नॉलेज नहीं है वो, या फिर मेरी बॉडी की नॉलेज है वो, या फिर सिंघा की बॉडी की नॉलेज है वो, या फिर तरुण गिल की बॉडी की नॉलेज है, जेरेमी बुंडिया, सीबम, वो सारी नॉलेज है, और तुम वो बर्ड हो जिसको अपने बारे में नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, तुम नर्सरी पे हो और तुम सिलेबस पढ़ रहे हो 12th का और रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं।
ये सारी बात हुई, मैंने तुम्हें तुम्हारी खामियां निपटा दी, हम जो गलतियां करते हैं हमने वो सब चीज़ें भी गिना दी, अब आती है चीज़ें करनी क्या है। ठीक है, तो एक ना दिल में हाथ रखना और अपने आप से पूछना, क्या तुमको सही में पता नहीं है फैट लॉस कैसे करना है? हम सबको पता होता है फैट लॉस कैसे करना है, बट स्टिल हम लैग करते हैं उस प्रोसेस पे जो हमें करनी होती है। सब जानते हैं वर्कआउट करना है, बट बहुत से लोग तो वर्कआउट भी नहीं करते। सबके सब बोलते हैं कि 90% डाइट होती है और 10% वर्कआउट होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर 100% डाइट होती है तो 100% वर्कआउट भी होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ यार, तुम 5th क्लास में थे, तुमने दौड़ना शुरू करा 1 किलोमीटर। जब तुम 5th क्लास से 12th क्लास तक का पहुँचोगे, तुम क्या हर बार सिर्फ 1 किलोमीटर ही दौड़ोगे? तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ती, तुम्हारा इंड्योरेंस बढ़ता है, तुम ग्रो होते हो भाई। सेम विथ योर वर्कआउट, तुम 1 साल पहले भी तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी थी, तुम्हारी अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी है, तुम ग्रो कैसे करोगे? तुम तो सेम वर्कआउट फॉलो कर रहे हो किसी अरसे से। तो वर्कआउट भी अच्छा करना पड़ता है और डाइट भी अच्छी करनी पड़ती है। ये सब बात हो गई साइड यार, जब मैं बोलने में आता हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस कर लेता हूँ। अब बात आती है फैट लॉस का मूल मंत्र, या फिर फैट लॉस होता कैसे है। तुम अपनी बाइक पे फ्यूल डालते हो, अपनी पावर दिखाती है तब तक जब तक उसके अंदर फ्यूल होता है। हम भी सेम एक मशीन के जैसे ही हैं, हमारे अंदर फ्यूल डालो, अगर तुम अच्छा फ्यूल डालोगे तो हम एनर्जेटिक रहेंगे, अगर तुम पिज्ज़ा बर्गर गंदा फ्यूल डालोगे तो हमारा सीन ख़त्म है। अब यहाँ पे आता है फैट लॉस कैसे होता है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अगर कोई बंदा जितना फ्यूल ले रहा है और उतना वर्क कर रहा है तो बंदा कभी मोटा नहीं होता है। एक सेकेंड थिंग, कोई बंदा फ्यूल ले रहा है और उससे ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा, उस टाइम पे जो बॉडी का फैट होता है वो गलना शुरू करता है उस नेसेसरी वर्क को करने के लिए, और ऐसे ही फैट लॉस होता है। अब बहुत से लोग क्या करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं कि वो अपनी बॉडी को फ्यूल ही कम देते हैं ताकि उनको फ्यूल बर्न ही कम करना पड़े। तो चॉइस होती है फैट लॉस करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम जितना अपने अंदर फ्यूल डाल रहे हो उतना अपनी बॉडी से आउटकम तो निकालो। और बिगनिंग के फैट लॉस के लिए तुमने बस कुछ हफ्तों के लिए सेम खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, और उसको इतना नोट करना है कि कैसे कर रहा हूँ मैं चीज़ें, बस इतना ही। और जैसे ही जैसे तुम्हारी बॉडी फैट लॉस करना शुरू हो जाएगी, उसको उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहो, बस बस कंसिस्टेंट रहो। दिस इज़ फैट लॉस, दैट्स इट, फैट लॉस ख़त्म, फैट लॉस। उसके बाद अब तुम्हें लगता है कि अब मेरी बॉडी को नेक्स्ट लेवल ले जाना है इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, और फैट लॉस मैंने ज़्यादा करना है, तब हम कैलोरीज काउंट करेंगे और हम तब 12th वाले सिलेबस पे पहुंच जाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन बहुत इजी है ना, कि क्यों मैं इतने ज़्यादा कार्ब्स खा के भी मेरे एब्स विजिबल हैं या फिर मैं फैट लॉस कर पा रहा हूँ? बिकॉज मैं जितना फ्यूल डाल रहा हूँ मैं उतना ज़्यादा उससे आउटकम निकाल रहा हूँ। एंड ऑफ टॉपिक, ईजी भाई, कई सारे रिटेक लिए मैंने ताकि तुम अच्छे समझ जाओ फैट लॉस होता कैसे है। एंड दैट्स हाउ फैट लॉस इज़ डन। और ये मैं सिर्फ 4 हफ्ते के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 4 हफ्ते के लिए। जब तुम एक्सट्रीम में जाओगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बॉडी को फुल ब्यूटी मोड में देखो, मैं चाहता हूँ तुम जब जाओगे तो उस टाइम पे करना ना कैलकुलेट कैलोरीज। तभी मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करा जिसमें मैंने ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें खाई जो हर कोई खाता है, वो चीज़ें करी जो हर कोई कर सकता है, सिंपल इफ़ेक्टिव एंड ईजी। और जब टाइम आएगा हर एक चीज़ कैलकुलेट करने का, मैं कैलकुलेट करूँगा। जिस वक्त आएगा अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा लिमिटेशन में खाने का, मैं उस टाइम पे खाऊँगा। पर जो अभी ये फिजीक है, इसके लिए सिर्फ इतना ही करना है, और इसके लिए हर कोई कर सकता है। और एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा मैं इसमें, कि लोग कमेंट करते हैं ना, यू आर जेनेटिकली ब्लेस्ड, आप ज़्यादा खाते हो बॉडी में लगता नहीं है, यू आर जेनेटिकली ब्लेस्ड, आपकी फिजीक इतनी अच्छी है, ये सब वाली बात।
तो यू डोंट नो मी, यू डोंट नो माई वर्कआउट, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ इस फिजिक को पाने के लिए। मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं था, मैं जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मैंने कितने एफर्ट्स करे इस फिजिक को अचीव करने के लिए। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कभी तुम मेरे साथ बैक ट्रेन करोगे ना, मैं पहले 100 पुलअप्स मारता हूँ, उसके बाद मेरा बैक ट्रेन करना शुरू करता हूँ। तो जेनेटिक्स इट्स अ मिथ, सब काम करते हैं, हर कोई काम करता है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ और मेरी बॉडी में फैट नहीं लगता है। मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, सच बता रहा हूँ तुम्हें। दैट्स इट, देयर इज़ नो सीक्रेट, नथिंग। तभी मैंने वो पुरानी डाइट अपलोड करी है ताकि तुम समझ सको जो ये मेरी अभी फिजिक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है अचीव करना, बहुत ज़्यादा ईजी। अभी तक का मैंने कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं किया और मैं इस लेवल पे हूँ। जस्ट वेट फॉर वन मोर मंथ एंड आई विल शो यू व्हाट ह्यूमन बॉडी इज़ केपेबल ऑफ, सिर्फ घर के खाने से, ठीक है? तो दैट्स इट। आई थिंक तुम्हारे फैट लॉस के फंडे क्लियर हुए होंगे, और ये सारे फंडे जितने मैंने तुम्हें सारी चीज़ें, ये हमेशा रहेंगी, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये रहेगा तो रहेगा। पर अपनी बॉडी को समझो, डोंट बी दैट चिड़िया जिसको लगता है कि इतनी ही दुनिया है, दुनिया बहुत बड़ी है, सब चीज़ बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अपने पे फोकस करो, अपने आप को समझो, दिस इज़ द मेन मोटिव मैं तुम्हें ऐसी क्यों वीडियोज़ बना के दे रहा हूँ। आई एम फॉलोइंग द ट्रुथ, वट ह्यूमन बॉडी इज़ केपेबल ऑफ, वट ह्यूमन पोटेंशियल कैन डू, वट योर माइंड कैन डू। योर बॉडी इज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और तुम दुनिया के सबसे तगड़ी स्पीशीज़ हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो अपने दिमाग में लिमिटेशंस मत लगाओ, ये याद रख, ठीक है? यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज इन द वर्ल्ड। डिस्ट्रैक्शन।